हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के सागंज बारवाड़ी दुर्गा पूजा पार्क, जहां पर इस बार भव्य हो रहा है। इस नवरात्रि में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पिछले 99 वर्ष पूरे होने के बाद इस बार 100वां वर्ष है इसका। और इसकी थीम क्या है शायद आप नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों जान लीजिए, इसकी थीम है जगन्नाथपुरी, जो कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों जैसा कि प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज में तरह तरह के इस समय पंडाल बन रहे हैं, बहुत ही भव्य पंडाल बन रहे हैं। अगर आप रामेश्वरम ले लीजिए, चंद्रयान 3 ले लीजिए, बहुत ही सुंदर जो है पंडाल बनाए जा रहे हैं हमारे प्रयागराज में। लेकिन उसमें से एक पंडाल ऐसा भी है, सागंज बारवाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल। तो दोस्तों इस बार नवरात्रि में जगन्नाथपुरी का दर्शन कीजिए और बने रहिए। आइए देखते हैं कि हमारा जगन्नाथपुरी कैसा है। दोस्तों जैसा कि हमारी मुलाकात सुनील कुमार गुप्ता जी से हो रही है, जो कि यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में है, यहाँ पर इस पंडाल के अंदर है, तो आइए उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। सागंज दुर्गा पूजा कमेटी इस बार अपने शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रही है, और इसमें हम लोगों ने इस बार पंडाल का जो थीम दिया है वो बैजनाथ धाम पुरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, और बंगाल से हमारी पूरी लाइटिंग और पंडाल जो भी पूरी व्यवस्था है वो बंगाल के कारीगरों ने पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार मेहनत करके उसको तैयार किया है। और आप जो मूर्ति देख रहे हैं हमारे पंडाल में, वो भी बंगाल के ही कारीगरों ने यहीं आकर बनाया है। और इसमें एक विशेष बात ये है कि इसमें कपड़े का कहीं प्रयोग नहीं है, जो भी इसमें कपड़े वस्त्र का उपयोग किया गया वो भी मिट्टी के बने हुए हैं, और उनको कलर से कपड़ों का रूप दिया गया है। तो एक तरह से सागंज बारवाड़ी ने इस बार अपने शताब्दी समारोह को जिस उत्साह के साथ मनाने का प्रयास किया था, हम लोग शायद उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और एक बहुत ही अच्छा आयोजन इलाहाबाद के नागरिकों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर प्लेस की बात करें तो बहुत ही भव्य यहाँ पे हमें वो पहला गेट दिखाई दे रहा है, जो कि स्टेशन से, अगर इधर की बात करें तो इधर से आती स्टेशन से हम सीधा आ जाएंगे सागंज। सागंज में आप आइए, आपको पहला गेट दिखाते हैं, बहुत ही भव्य बनाया गया है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं कि गेट में क्या जो है माँ शक्ति का रूप देखिए दिख रहा है, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। लग रहा है वास्तव में साक्षात देवी प्रकट हो गई हैं इस गेट में। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर जो है माँ शक्ति का रूप दिखाई दे रहा है। वाह, ये आप देखिए दोस्तों, इस गेट से हम चलते हैं जो कि ये स्टेशन की तरफ से जाती है सीधा जानसिंगन चौराहे की तरफ। तो आइए हम आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं, देखिए कितनी अच्छी सजावट की गई। दोस्तों अगर बात करें तो जानसिंगन चौराहे की तरफ से जो गेट बना हुआ है, इस गेट से अब हम सीधा आगे चलते हैं, और आओ और इधर देखिए कितनी अच्छी सजावट इधर की गई है। सामने आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा गेट बनाया गया है, और गेट के जस्ट पास में देखिए शताब्दी वर्ष का बोर्ड लगा है, और क्या लाइटें हैं। सनातन धर्म को देखते हुए जो यहाँ पर धार्मिक टेम्पल का प्रारूप दिया गया, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही अच्छी लाइटें यहाँ पे दिख रही हैं, वास्तव में देखने काबिल। वाह क्या बात है, क्या लाइटें हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर सा बनाया गया हुआ है। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष होने की खुशी में जो ये लाइटों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो अब हम शायद उस प्लेस में बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं जो जगन्नाथपुरी का टेंपल दिया गया है, तो बस बहुत ही पास में आ चुके हैं हम इस समय उस जगन्नाथपुरी टेंपल का जो स्वरूप दिया गया, हम उसके बहुत ही नज़दीक पहुँच आए हैं। तो दोस्तों शायद हम आपको सामने से दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है ये जगन्नाथपुरी का जो ये प्रारूप दिया गया है, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है, वास्तव में लगता है जैसे हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आ गए हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। वाह भाई वाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, वास्तव में क्या जगन्नाथपुरी का टेम्पल बना है। सनातन धर्म को देखते हुए जो यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर अति सुंदर। तो जैसे यहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही है भास्कर मुखर्जी जी से, और वो वरिष्ठ मुख्य सलाहकार हैं, तो आइए जो ये जगन्नाथपुरी की थीम दी गई है आज उनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं भास्कर मुखर्जी, वरिष्ठ सलाहकार सागंज बारवाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी। आप सभी
शहर के नागरिकों का, भक्तजनों का इस दुर्गा पूजा पंडाल में हार्दिक स्वागत है। शाहगंज बारवाड़ी इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रही है और इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए हमारे कमेटी के सभी सदस्य लोग बहुत मेहनत आज करीब 1.5-2 साल से कर रहे हैं और उस 1.5-2 साल का जो ये मेहनत हमारे सदस्यों का है उसका वो आज आपके सामने है। माता रानी की सेवा में ये सब भक्तजन और हमारे सदस्य लोग बहुत मेहनत किया है। आज जो भी है उनके मेहनत के द्वारा आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं सभी शहर के सभी नागरिकों को, भक्तजनों को मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग आइए और आकर हमारे इस दुर्गा पूजा का जो पंडाल बना हुआ है, जगन्नाथपुरी जी का पंडाल बना हुआ है, जगन्नाथपुरी का, इसको देखिए। और अंदर हमारा मातृशक्ति का थीम है, यहाँ पर मातृशक्ति थीम को हम लोगों ने लिया है और हमारे दरबार के अंदर मातृशक्तियाँ जो कल से अपना कार्य शुरू कर देंगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अगर आपको दिखाएं तो बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया गया है इस पंडाल को, जो कि जैसे कि सनातन धर्म को देखते हुए इस जगन्नाथपुरी का जो थीम दिया गया है, एक टेम्पल दिया गया है, बहुत ही सुंदर दिया गया है। तो दोस्तों सामने देखिए, वो देखिए, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे माता रानी विराजमान हो चुकी हैं। और अगर खूबसूरती की बात करें तो इस पंडाल की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, जो कि यहाँ पे लकड़ी और थर्माकोल का बनाया गया है, ना कि किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है। रास्ते को छोड़ दीजिए, जो आने वाला मार्ग है उस रास्ते को छोड़ दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज पंचमी है और पंचमी की वजह से लोगों का यहां आना चालू हो गया है और जैसे माता रानी यहां पर स्थापित हो चुकी हैं, बहुत ही सुंदर जो है प्रारूप दिया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों जैसा हमारी मुलाकात यहां पे इस जगन्नाथपुरी जो टेम्पल बना हुआ है अरुण कुमार बनर्जी जी से हो रही है, तो आइए हम इस जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जय माँ शाहगंज बारवाड़ी का ये शताब्दी वर्ष है, 2023 में 100 वर्ष पूरा हो गया और आज यहाँ पर श्रद्धालु लोग सब उपस्थित हुए हैं और शाहगंज बारवाड़ी के सारे यहाँ के बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सब मिलकर के अथक परिश्रम करके भाइयों बहनों ने इसका एक जगन्नाथ पुरी के भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्रा के हमारे एक पीठ स्थान उस जगह का एक मूर्त रूप देने के कोशिश किए हैं। बंगाल के कारीगर और लाइटिंग के लिए भी चंदन नगर से लोग आए हैं। हम आज इस अवसर पर पंचमी के तिथि में शारदीय नवरात्रि में शाहगंज बारवाड़ी में उपस्थित होकर माँ के दर्शन किए और अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझा कि इस तरह से एक टीम वर्क के माध्यम से इतना सुंदर भव्य व्यवस्था हमारे प्रयागराज में ये नौजवान बच्चे बूढ़ों के उनके अनुभवों को लेकर के माताओं बहनों के सहयोग से ये जिस तरह से इस कर्मकांड को मूर्त रूप दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे सब भाई बहन, माताएं, बड़े बुजुर्ग एवं दोस्त सब साधुवाद, धन्यवाद एवं अभिनंदन के पात्र हैं। पुनः माँ दुर्गा जी एवं उनके पूरे परिवार एवं माँ शिव जी को सबको हम अपना प्रणाम जनाते हुए सब साथियों को शारदीय नवरात्र के अभिनंदन कर रहे हैं। जय माँ, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम जगन्नाथपुरी टेम्पल में दर्शन करने आए हैं, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।